মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অৰুণোদয় সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী এবাৰ 1250 টকা নহয় 3000 টকালৈ বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ ধন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ দিছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীলৈ ডাঙৰ ঘোষণা राज्य लाख लाख अरुणोदय हितधिकारी डांगर घोषणा कर मुख्यमंत्री 1250 नह हितधिकारियमाहे पा 3000 टका महिला भल खबर 2026 पूर्वे प्रतिगी हितधिकारीक दिया हम यह धन 2026 पूर्वे प्रतिगी हितधिकारीक धन दी राजस्थान निर्वाचन सभा बृहत् घोषणा कर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा राज्य लाख लाख अरुणोदय हितधिकारी डांगर घोषणा इतिम्य देश चल निर्वाचनी प्रचार विभिन्न ठाईत निर्वाचन प्रचार चल चल शासक दलटर विरोधी दल समूह विभिन्न प्रतिश्रुति राइज का गई से यार शासक दलटे राजस्थान चलते निर्वाचन प्रचार राजस्थान विभिन्न निर्वाचन सभा राजा सभा राजनैतिक सभा उपस्थित और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा निर्वाचन प्रचार अंशग्रहण कर और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा निर्वाचन सभा अंशग्रहण करे केंबाओ भल कथा उल्लेख कर भल घोषणा करहर कथा कैसे जो 1250 टका नितधिकारिये एबार प्रतिगी हितधिकारिये लाभ 3000 टका 1250 टका इतना जिस अरुणोदय हितधिकारी आज 1250 टकमाहे लाभ कर और यार अरुणोदय हितधिकारी जी धन सी धन बृद्धि पा और 3000 लैक बृद्धि पा धन और आगंतुक तीन बस राज्य मुख्यमंत्रीगढ़ उल्लेख करते जो बीजेपी शासन शासन थके आगंतुक तीन बस बहु भल सिद्धान लब राज्य प्रतिगी शिक्षित युवक युवत इतिम्य भल घोषणा करे और तार पाते यार महिला घोषणा करतीगी अरुणोदय हितधिकार लाभ 3000 टका महिला हजारको अरुणोदय हितधिकार जिस महिला लाभ 3000 टका इतिम्य 1250 टक लाभ कर हितधिकारी एबार 3000 टका पा क्यों बृद्धि हम अरुणोदय आँचन धन राज्य मुख्यमंत्रीगढ़ कि कैसी अरुणोदय आँचन सन्दर्भ के बढ़ा और कि दिन भर बढ़ा 2026 जीतने गति के समय बढ़ा अरुणोदय आँचन धन और कि कैसे अरुणोदय आँचन सन्दर्भ आगे मंत्य होटल में रख दिया आपका बैंक अकाउंट में सारे होटल में रख दिया था। मैं बोला अशोक जी को तो मैं जानता हूँ, मैं बोला क्यों होटल में बैठाते हो, इसके जगह सालासर में ले जाओ, इसका जगह में खाटू श्याम जी में ले जाओ, कहा होटल में बैठाते हो। ये तमाम जो फिर दोबारा हर माह आप लोग 10 दिसंबर 1200 रुपया हर माँ और बहनों का 1250 रुपया हर माह आप लोग 10 दिसंबर को आसाम का पेपर को 10 महीना का 10 तारीख को आसाम का पेपर को आप लोग गूगल करना, बड़ा एडवर्टाइज रहता है कि 11 बजे तक आपका बैंक अकाउंट में 1250 रुपया पहुंच जाएगा। आज लगातार 2 साल सुनाओ मेरा 2026 है, सुनाओ का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चुनाव का 3 महीना पहले मुझको कुछ करना नहीं है, तब तो खाली आशीर्वाद लेना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए सरकार बनने का 1 महीना का अंदर से ही हम लोग 1250 रुपया माता और बहनों का बैंक अकाउंट में डालना शुरू कर दिया और आज भी मिलते हैं। और मैंने मेरा माता और बहनों को बोल के रखा हूं कि अगर भगवान मुझको शक्ति देते हैं तो अगली चुनाव का पहले पहले मैं 3000 रुपया तक इसको लेके जाना चाहता हूं। छोटा प्रदेश है असम, फिर जब आया माताओं का लोन माफी का बाद 26 लाख माताओं का ऊपर लोन था, हमने 14 लाख का लोन निवारण कर दिया। ये मैं जाके परसों दिन और 3 लाख माताओं का लोन हम लोग बैंक को रुपया देगा, बैंक हमें एनओसी देगा और एनओसी माताओं को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, परसों दिन जाके ही मुझको करना है। मतलब मैंने ये बात क्यों उठाया, बीजेपी ने जो चुनाव में बोलते हैं
हम लोग चुनाव का साथ उसको लिंक नहीं करता। आपका बैंक अकाउंट में सारे होटल में रख दिया था। मैं बोला अशोक जी को तुम्हें जानता हूँ, मैं बोला क्यों होटल में बैठाते हो, इसके जगह सालासर में ले जाओ, इसका जगह में खाटू श्याम जी में ले जाओ, कहा होटल में बैठाते हो। ये तमाम जो फिर दोबारा हर माह आप लोग 10 दिसंबर 1250 रुपया हर माँ और बहनों का 1250 रुपया हर माह आप लोग 10 दिसंबर को आसाम का पेपर को 10 महीना का 10 तारीख को आसाम का पेपर को आप लोग गूगल करना, बड़ा एडवर्टाइज रहता है कि 11 बजे तक आपका बैंक अकाउंट में 1250 रुपया पहुंच जाएगा। आज लगातार 2 साल चुनाव मेरा 2026 है, चुनाव का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चुनाव का 3 महीना पहले मुझको कुछ करना नहीं है, तब तो खाली आशीर्वाद लेना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए सरकार बनने का 1 महीना के अंदर से ही हम लोग 1250 रुपया माता और बहनों का बैंक अकाउंट में डालना शुरू कर दिया, और आज भी मिलते हैं। और मैंने मेरा माता और बहनों को बोल के रखा हूं कि अगर भगवान मुझको शक्ति देते हैं तो अगली चुनाव का पहले पहले मैं 3000 रुपया तक इसको लेके जाना चाहता हूं। छोटा प्रदेश है असम, फिर जब आया माताओं का लोन माफी का बात, 26 लाख माताओं का ऊपर लोन था, हमने 14 लाख का लोन निवारण कर दिया। ये में जाके परसों दिन और 3 लाख माताओं का लोन हम लोग बैंक को रुपया देगा, बैंक हमें एनओसी देगा और एनओसी माताओं को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, परसों दिन जाके ही मुझको करना है। मतलब मैंने ये बात क्यों उठाया, बीजेपी ने जो चुनाव में बोलते हैं हम लोग चुनाव का साथ उसको लिंक नहीं करता।